ચાર વક્તાઓએ જે વાત કરી એનાથી કંઈક અલગ હશે, જેમને પોતે બનાવ્યું છે. અને એક એવા વક્તા આવી રહ્યા છે જેઓ ફક્ત બોલતા નથી, જેઓ લખે પણ છે, એવા શ્રી જૈનમભાઈ સંઘવી પધારી રહ્યા છે. ટાળીથી અભિવાદન કરીએ. તેઓ કરશે સમાધાન ભક્તિનો જયઘોષ. હાલો, ઉમર મેં સબસે છોટા હું, અંત મેં મેરા નંબર લગા હૈ. યહાં પર સ્ટેજ પર જીતને ભી બેઠે હૈ વો યા તો જય ઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજા યા ફિર ભુવન ભાનુ સુરેશ્વરજી મહારાજા કી જન્મસ્થલી યાની ગુજરાત સે હૈ, પરંતુ મેં તો દાદા ગુરુદેવ પ્રેમ સુરેશ્વરજી મહારાજા કી ધરતી સે આયા હું. વિશ્વાસ હૈ આપ સભી મુજે ઉતના હી પ્યાર દેંગે. રહેમ જિનકા કામ હૈ ઓર નેમ જિનકા નામ હૈ, ઉસ પરમ પિતા પરમેશ્વર કો કોટિશ પ્રણામ હૈ. और उस परम पिता परमेश्वर के पुनित पुत्र थे प्रेम सुरी, मुक्ति पाने की युक्ति का वो विरल सूत्र थे प्रेम सुरी, दुनिया से अलिप्त सदा वो दीप्तिवंत थे प्रेम सुरी, रमेश लोक में नहीं लोक में ऐसे संत थे प्रेम सुरी, शब्दों से और विशेषणों से मुश्किल जिनका वर्णन है, उस परम तेज के प्राण स्रोत प्रेम सुरी को वंदन है. जो सूरी दान के नंदन है, अरे जो सूरी दान के नंदन है, उस पवित्रता के प्रकाश पुंज प्रेम सूरी को वंदन है. और उस प्रेम सुरेश्वर जी की परंपरा में, अरे उस प्रेम सूरी की परंपरा में एक ज्योतिवंत दिनकर आया, उस भानु की ज्योति से नवचेतन शासन में छाया, उस भानु के आने से, उस भानु के आने से नवचेतन शासन में छाया, उस भानु के सामने हम लगते थे बस जुगनू से, शासन बगिया महक उठी थी उस सुमन की खुशबू से, अरे उस भानु के कई आयाम थे, मैं किस आयाम की बात करूं, उनकी बातें खत्म न होगी दिन को चाहे रात करूं, शब्दों में बयां करना है मुश्किल उस व्यक्ति की शक्ति को, उनकी विरल विभूति और शासन की भक्ति को, वो वर्धमान के तपोनिधि थे वर्तमान के वर्धमान, संयम में सदा प्रवर्तमान, रसनेन्द्रिय के वो थे विजेता, शिविरों के वो आद्य प्रणेता, शिविरे कर करके हजारों युवकों को बचाया था, शिविरे कर करके एक नया इतिहास रचाया था, शिविरे कर करके उस कांति ने क्रांति लाई थी, कोलाहल और शोर शराबे में मानो शांति लाई थी, अरे शासन को नई ऊर्जा दी थी, हर उलझन को सुलझा दी थी, शासन की ऊंचाई के उस मंजर को अभिनंदन है, भुवन भानु सुरेश्वर जी को शत शत मेरा वंदन है, भुवन भानु सुरेश्वर जी को शत शत मेरा वंदन. આપણા બધાના દિલમાં છપાયેલું છે અને આપણે બધા જ ગાતા આવ્યા છીએ, કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ જેને શાસન ના રખવાળા યુગો સુધી જળહળશે. પરંતુ આજે કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે પૃથ્વી લોકના પ્રાણ હતા આ ધરતીના ધબકારા, યુગો સુધી જન જન ગાશે જય ઘોષ સુરી જયકારા, યુગો સુધી જન જન ગાશે જય ઘોષ સુરી જયકારા. પ્રેમ સુરેશ્વરજીના વચનો સાચા અર્થે સિદ્ધ થયા, સિદ્ધાંત દિવાકર ના નામે એ જગમાં હી પ્રસિદ્ધ થયા, સિદ્ધાંત દિવાકર શાંત સુધાકર જવાહર જગતી ન્યારા, યુગો સુધી જન જન ગાશે જય ઘોષ સુરી જયકારા, યુગો સુધી જન જન ગાશે જય ઘોષ સુરી જયકારા. શાસન કે હર સંકટ કો જિસ યોગી ને લલકારા, યુગો તલક જન ગાયંગે જય ઘોષ સુરી જયકારા. અરે જો ચલા રહે થે જિન શાસન કા રાજપાટ, જો થે સમુદાય કે સમર્થ સમ્રાટ, મહાવીર કે મહારથી, શ્રમણ વૃંદ કે સારથી, સિદ્ધાંત દિવાકર શાંત સુધાકર નાથ નિશાકર જ્યોત જવાહર, બોલો બિરાદર પવિત્ર હતી શું પરિણતિ ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ, નિસ્પૃહયતી નિર્લેપયતી ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ, નિસ્વાર્થ સુરી સેનાધિપતિ ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ, મુખમાં છે જાણે સરસ્વતી ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ, નિર્લેપ અતિ નિસ્પૃહ અતિ ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ, અરે ગીતાર્થ ગુરુ ગચ્છાધિપતિ. બોલો બોલો આચાર્ય દેવ શ્રીમદ વિજય જય ઘોષ સુરેશ્વરજી મહારાજા સાહેબ કી.
सर्वाधिक साधु योद्धा, सर्वाधिक साधु योद्धा जिनकी सेना में रमते थे, सर्वाधिक साधु योगी जिनकी सेवा में नमते थे, सर्वाधिक आलोचना के वर्तमान में दाता थे, तत्सत्य तथ्य के जानकार वो धर्म मर्म के ज्ञाता थे, महावीर के मूर्धन्य धन्य वो धर्म ध्वजा धुरंधर थे, युगो युगो तक याद रहे वो युग पुरुष युगंधर थे, तपा गच्छ के गौरव थे वो समुदाय के सौरभ थे, हम सब उनके प्रजाजन और वो हम सबके कौरव थे, जिन शासन के मुकुट मणि वो मारतंड थे आगम के, जिन शासन के ज्योतिर्धर वो मेरुदंड थे आगम के, महावीर के श्रमण प्रथा की अमर कथा लिख दी जिसने, वाणी और वर्तन से अपने समता की सिख दी जिसने, उस जय घोष के वर्णन में शब्द कोश भी कम पड़ते, समता के उस स्वामी के चरणों में झुककर हम नमते, उस महापुरुष की महायोगी की महिमा का सत्कार करो, आज भी जय जय घोष सुरी जयकार करो, आज भी जय जय घोष सुरी जयकार करो। पाटन की उस वसुंधरा को आज मुझे कुछ धरना है, पाटन की उस पावन भूमि का अभिवादन करना है, अरे जिस पावन भूमि में जन्मे कली काल के महाज्ञानी, उनके जैसा कोई न था ये बात है सबने मानी, अरे जिन शासन के ऐसे महापुरुष पैदा करने की रही जहां परिपाटी है, धन्य धन्य वो जन्मभूमि पाटन की पावन माटी है, धन्य धन्य वो जन्मभूमि पाटन की पावन माटी है, अरे धरोहर जन्मे जिन शासन के, धन्य धन्य वो वसुंधरा, धन्य है वो कांता देवी भी जिनकी कोख से जन्म धरा, अरे जिन शासन के उस अनमोल रतन का नाम बराबर रखा गया, शासन के अनमोल रतन का नाम बराबर रखा गया, शाह कुटुंब के उस कुल दीपक का नाम जवाहर रखा गया। माता कांता ने जन्म दिया और मफत भाई ने धर्म दिया, इन दोनों के साये में पलकर आगे चलकर दिल में दीक्षा की ज्योत जगी, मन में संयम की लगन लगी, फिर उस लगनी की अग्नि से कर्मों का था ललकार किया, 13 वर्ष की आयु में संयम का था स्वीकार किया, अरे हाथ सिमट कर क्या बैठे हो, तालियों का जय नाद करो और आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो। भानु विजय मुनिराज ने जब बाल जवाहर को देखा, तब भाल प्रदेश का तेज दिखा और देखी माथे की रेखा, और तभी ही बाल जवाहर के मूल्य को जौहरी ने जान लिया, भावी के उस सूत्रधार को पल में ही पहचान लिया, उसी समय था जवाहर ने भी भानु विजय को गुरु तौर पर मान लिया, और पिता संग दीक्षा लेने का जवाहर ने भी ठान लिया। उस तेरह साल के बाल कुंवर ने भानु विजय से दीक्षा ली, फिर जिन शासन की शिक्षा ली, शिक्षा की भिक्षा पाने वो स्वाध्याय में खो गए थे, और जिन शासन के आगम उनको आत्मसाध फिर हो गए थे। आत्मज्ञान को पाने को अभ्यास में तन गए थे वो, जिनागमों की चलती फिरती लाइब्रेरी बन गए थे वो। और ऐसा नहीं, आप सबको लगता होगा कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, उनको आगम आते हैं, परंतु उन्होंने कई नए श्लोकों की और कई नए ग्रंथों की भी रचना की है, और तब कहने का मन करता है कि ऐसा नहीं कि उनके द्वारा ग्रंथ सभी बस सीखे गए, उनके द्वारा और हजारों श्लोक नए थे लिखे गए। अरे सोचो तुम 28 साल की आयु में जीवन कैसा निर्मल होगा, 28 साल की आयु में जीवन कैसा निर्मल होगा कि प्रेम सुरी ने परख लिया इनसे भावी उज्जवल होगा, गच्छाधिपति पद ये धारे तो शासन में मंगल होगा, और भानु विजय के बाद में इनसे ही सुनहरा कल होगा। इसीलिए तो प्रेम सुरी ने अंतिम विल में कहा इन्हें सरदार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार करो।
ज्ञानियों की सेवा से ज्ञानावरण का घात हुआ, सूरी प्रेम और भानु विजय कृपा का शक्तिपात हुआ। जिन शासन के ज्योतिर्धर वो मुनिवर बन गए सूरी राया, उस अद्भुत विभूति ने नव पद में तीसरा पद पाया। जिन शासन की सिंहासन पर विराजमान फिर हो गए वो, जिन शासन की सेवा में एक तान फिर हो गए वो। और तभी अचानक जिन धर्म भुवन का भानु अस्त हुआ, शासन का बच्चा बच्चा उनके जाने से त्रस्त हुआ। और श्रमण वृंद का शीर छत्र, श्रमण वृंद के शीर छत्र का चला गया था जब साया, जय घोष सूरी राया ने तब गच्छाधिपति पद को पाया। कमी न महसूस होने दी भुवन भानु के जाने की, कमी न महसूस होने दी उस शासन के परवाने की। उस कुशल नेता ने क्या धर्मधुरा को धारी है, उस कुशल नेता ने क्या धर्मधुरा को धारी है। प्रेम भुवन भानु समुदाय उनका सदा आभारी है। अरे प्रेम भुवन के मंदिर पर मानो थी ध्वजा चढ़ाई, प्रेम भुवन के मंदिर पर मानो थी ध्वजा चढ़ाई। गच्छाधिपति पद की शोभा उसने और बढ़ाई, और फिर भी नाम ना की काम ना से दूर दूर वो रहे सदा। उनकी भरपाई ना हो पाई जिन शासन ये कहे सदा, उनको ना देखा हो तो तकदीर से तकरार करो। और आज विजय जय घोष सूरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सूरी जयकार करो। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि उस कुशल नेता ने क्या संघ का नेतृत्व किया, कर्तव्यों का कर्तृत्व किया। आपको शायद पता नहीं होगा, उनके पास ना कई साधु साध्वी जी भगवंतों के लेटर आते थे, गच्छाधिपति थे, सब अपने प्रश्न पूछते थे। और एक बार उनको लेटर आया, उसमें टू में नाम था जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा, फ्रॉम में नाम लिखना मुनि भगवंत भूल गए। जय घोष सूरी जी ने लेटर पढ़ा और फिर उस जहां से वो पत्र आया था वहां पर वापस भेजा। मुनि भगवंत विचार में पड़ गए कि मैंने तो अपना नाम नहीं लिखा तो कैसे ये पत्र मेरे पास वापस आया। जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा इतने सतर्क और इतने अटेंटिव थे अपने आज्ञा में रहने वाले साधु साध्वी जी भगवंतों के प्रति कि उनकी हैंडराइटिंग देखकर जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा पहचान गए कि ये किसकी हैंडराइटिंग है। और तब कहने का मन करता है कि उनके दिल में हर साधु था वो हर साधु के दिल में थे, उनके दिल में हर साधु था वो हर साधु के दिल में थे। उनकी छत्र छाया में इतने पुष्प तभी तो खिलते थे। आज यहां से गाना गाया ना, प्रेम भुवन भानु तरुवर पर पुष्पों महके डाले डाले, प्रेम भुवन भानु तरुवर पे पुष्प है डाली डाली पे। अगली पंक्ति अगर सही लगे तो एक साथ सभी की तालियां बजनी चाहिए कि प्रेम भुवन भानु तरुवर है, प्रेम भुवन भानु तरुवर के पुष्प है डाली डाली पे, क्योंकि जय घोष नाम का माली था उस उपवन की रखवाली पे। जय घोष नाम का माली था उस उपवन की रखवाली पे। पर तभी अचानक वीर शासन ने एक बड़ा घाटा खाया, शासन के आकाश पटल पर मानो सन्नाटा छाया। पंचभूत में विलीन जब ही वो संत हुआ, तब एक दौर का अंत हुआ, एक युग का अंत हुआ। परंतु युग युगांतर याद रहेंगे जय घोष सूरीश्वर जी, शासन में जिंदाबाद रहेंगे जय घोष सूरीश्वर जी, शासन में जिंदाबाद रहेंगे जय घोष सूरीश्वर जी। और सुमित भाई किसने कहा कि चले गए, कौन है कहता चले गए। अरे देह से वो भले गए, आत्मा से विद्वंत वो जीवंत है आज भी। उनके कारण ये समुदाय श्रीमंत है आज भी। और जब जब ये पंक्ति आए, जब जब ये पंक्ति आए, वंदन उनको हर बार करो। आज विजय जय घोष सूरी जयकार करो, आज विजय जय घोष सूरी जयकार करो। ज्यादा समय नहीं लेता हूं, यहां पर आगेवान बैठे हैं, कल्पेश भाई वगैरह ट्रस्टी सब बैठे हैं, उनको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर समाधि मंदिर बहुत है, कई संतों के समाधि मंदिर है, कई महापुरुषों के समाधि मंदिर है, परंतु जय घोष सूरीश्वर जी महाराजा कोई विरल व्यक्तित्व थे। उनके पास लोग आते थे, उनके प्रश्न सॉल्व हो जाते थे। वो चाहे कोई झगड़ा हो, चाहे कोई इंटरनल मैटर हो, चाहे कोई शासन का प्रश्न हो, हम सब जिनको प्रश्न पूछते थे वो अपने प्रश्न जय घोष सूरी जी को पूछते थे।
और ऐसे जयघोष सुरेश्वर जी महाराजा की प्रतिष्ठा करनी है, तब आप सभी को कहना चाहता हूं कि वो समाधि के आसामी थे, वो समाधान के स्वामी थे, संघर्षों के संकट में वो समाधान के कामी थे। अरे जिन शासन के सभी गच्छों में उनका मान बड़ा था और समाधान उनसे ही पाया जब भी कोई संकट आन खड़ा था। अरे समाधान उनसे ही पाया, अरे जब जब थे सारे, जब जब थे सारे घमासान की सूरत में, तब समाधान सबने पाया इस समाधान की मूरत में। अरे जिन शासन के प्रश्नों के थे समाधान जय घोष सुरी, सिद्धांत के सवालों के थे समाधान जय घोष सुरी, कटोकटी की बेला में थे समाधान जय घोष सुरी, हर संकट में हर आफत में थे समाधान जय घोष सुरी। ये ख्याल फिर जगता है कभी कभी तो लगता है, हाँ ये शायद छोटे मुंह पर बड़ी बात लगेगी, दीपक भाई छोटे मुंह पर बड़ी बात लगेगी, शायद घात लगेगी, पर गुस्ताखी है तू, बालक ये मांगे माफी है, बालक ये मांगे माफी है, पर समाधि मंदिर काफी है, समाधि मंदिर तो काफी है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो, जन जन की दुआ लेनी हो तो, जन जन की दुआ लेनी हो तो, सुझाव ये दिल में धर दो, सुझाव ये दिल में धर दो, समाधि मंदिर नाम बदल कर समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो, समाधान मंदिर कर दो। कल्पना करो, बोलो बोलो श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा साहेब नो, जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा साहेब नो। चलो अपने ट्रस्टियों ने आटली ज विनंती करिए कि इस मंदिर की मूरत को, इस मंदिर की मूरत को तुम समाधान अवतार करो, इस मंदिर की मूरत को तुम समाधान अवतार करो, इस मंदिर में समाधान पाने का तुम दरबार करो, इसे समाधि मंदिर नहीं समाधान मंदिर बनाकर शासन का श्रृंगार करो, मुझसे सहमत हो तो दोनों हाथों से दरकार करो, आज विजय जय घोष सुरी जयकार 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 करो। डूबना है, डूबना है आज हमको भक्ति की अभिव्यक्ति में, डूबना है हमको आज मंगल अनहद नाद में, उस महापुरुष की याद में, तो जैनम भाई, पारस भाई, देवांश भाई, हर्षित भाई, भाविक भाई, आज सभी में जोश भरो, आज भक्ति का जय घोष करो, अरे खत्म हमारे दोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो, नए दौर में नए तौर के संगीत का आघोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो, और भक्ति की अभिव्यक्ति में ना कभी संतोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो, आज भक्ति का जय घोष करो। आ बधा तो भक्तिनी अभिव्यक्ति करवाना, भक्तिनो जयघोष पण करवाना, परंतु भक्तिनी अभिव्यक्तिनी अने आजनी आ रात्रिना अंतिम चरण तरफ आपणे प्रवेश करवा जई रह्या छे, आपणे बधाने हुं एक ज विनंती करवा मांगु छुं के गुलाल लाल भाल पर लगावी सूरत तालमा पुरावी फूल थालमा सजावजो, गुलाल लाल भाल पर लगावी सूरत तालमा पुरावी फूल थालमा सजावजो, गुलतान थई सान भान भूली मान शूली भान भान शूली पर चढ़ावी दिलमा भाव ने समावजो, करी नमन धरी वचन प्रभु लगन मा थई मगन प्रभु भजन मा आ गगन गजावजो, अने सर्व शब्द कोश थी ने जय विजय ना घोष थी आज मारा नाथ ने वधावजो, आज मारा नाथ ने वधावजो, मोर बनी 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 नाथ ने बधावजो, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे, मोर बनी थन गट करे मन, मोर बनी थन गट करे, जन मोनी प्रीति मारी आँखों को।